अरे बेटा, हम आगे आज पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक्स के बारे में। काइनेटिक्स में जैसा तुम्हें हमने कहा था यहाँ पे कि जो फर्स्ट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट निकालना, थर्ड सेकंड दिया हुआ है, इसका मतलब ये है टी की वैल्यू जो है टी टू से लेकर टी की वैल्यू थ्री तक निकालना है। अगर फर्स्ट 3 सेकंड दिया हुआ मतलब टी की वैल्यू जो है जीरो से थ्री तक निकालना है। समझ में आ गया? अब जानते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट ये होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी बॉडी के मोशन को डिस्कस करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम, चलिए जानते हैं बताइए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है जब हम किसी बॉडी की मोशन को किसी के रिस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे कि देखने को मिल रहा है चिंटू यहाँ पे जो है वो रुके हुए हैं और मिंटू यहाँ पे रेस्ट में है। मतलब हम चिंटू के मोशन को देखेंगे मिंटू रिस्पेक्ट में, मास्टर साहब के रिस्पेक्ट में। मिंटू यहाँ पे जो है रुके हुए हैं, मास्टर साहब जो है यहाँ मूव कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये ठीक है। तो अभी तो हमने पढ़ लिया, तो बताइए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ये होता है किसी बॉडी के मोशन को किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और सामने वाले को वही मोशन दे देता है जिसके रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं। सपोज कीजिए हमें चिंटू का मोशन निकालना है, मिंटू रिस्पेक्ट निकालना है, मास्टर साहब के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, अब हमें समझ में आ रहा है मिंटू जो है रेस्ट में, तो जब हम चिंटू का मोशन निकालेंगे मिंटू रिस्पेक्ट, तो क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे चिंटू जो है इज़ इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मिंटू। और मास्टर साहब जो है यहाँ मूव कर रहे हैं तो हम लोग कहेंगे चिंटू इज़ इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू मास्टर साहब। जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वही सामने वाले का मोशन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में बताई चुका क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है, बाकी डिस्प्लेसमेंट में जानते हैं यार फाइन सारे इनिशियल होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, शॉर्टेज डिस्टेंस लेनी है इनिशियल फाइन पोजिशन की, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस कभी घटता नहीं है, टोटल पाथ का जो है बॉडी में मोशन होता है, डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हुआ है तो या तो ज़्यादा होगा। समझ में आ गया? और तुमको बताइए और तुमको मैंने क्या कहा था, और तुमको भी हमने कहा था कि कभी ऐसा पॉसिबल है कि 1D में इफ़ इन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो क्या 1D में पॉसिबल ऐसा है कि कभी पार्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी? बोलो, इन इन मोशन 1D इफ़ इन अ टाइम इंटरवल, इन इफ इन अ टाइम इंटरवल डिस्टेंस ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, या फिर डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो है, तो क्या कभी वेलोसिटी जो है जीरो की? हाँ बिल्कुल जीरो होगी। छात्र कैसे हो जो है वो याद कर लेना। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। चलिए अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं क्या होती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब ये होता है कि टोटल डिस्टेंस, तो मतलब एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल होती है, या हमेशा लार्ज इंटरवल लिया, हमेशा लार्ज टाइम इंटरवल से निकाली जाती है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इसको डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इसको एस टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन होता है। समझ में आ गया? अब जानते हैं अगर कोई सर्कुलर मोशन है, ए से बी जाना अगर है, रेडियस उसकी आर है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें डिस्टेंस निकाला जाता है, डिस्टेंस मतलब कि ए बी। ए बी कैसे निकालोगे? ए बी जो होती है कि आर्क कैसे निकालते हैं? थीटा आर निकालते हैं। थीटा कितना? 90 डिग्री, 5.2 हो गया, आर हो गया। डिस्प्लेसमेंट की लाइट क्या लेंगे? यूर लेंगे, तो कितना आ गया? 92 आ गया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब होता है स्मॉल इंटरवल के लिए। ठीक है, इसकी लिमिट जो है वो बहुत ही कम होती है, तो डी एस बाई डी टी लिखते हैं। समझ में आ गया? एवरेज स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल लिखा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलता है कि अब मान लेते हैं कि अगर टाइम इक्वल है, जर्नी के दौरान जो डिवाइडेड टाइम है वो इक्वल होती है, तो कैसे निकालते हैं एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड निकालते हैं v1 + v2 + v3 एन टाइम्स अपॉन एन टाइम्स। ठीक है, चलिए अगर बोलता है कि अगर इक्वल डिस्टेंस है तो फिर क्या बोलोगे? अगर इक्वल डिस्टेंस अगर होता है तो एन अपॉन एस एवरेज, तो क्या बोलोगे? एन अपॉन एस एवरेज इज इक्वल टू 1 / v1 + 1 / v2 + 1 / v3 ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर देखिए इक्वल टाइम इंटरवल कितना होता है, एवरेज इक्वल टू v1 + v2 + v3 अपॉन एन टाइम्स होता है, और डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है एन अपॉन एस एवरेज इक्वल टू 1 / v1 + 1 / v2 + 1 / v3 होता है। समझ में आ गया? ऊपर वाला जो है अर्थमेटिक मेन है, नीचे वाला जो है हार्मोनिक मेन है। क्वेश्चन बोलता है कि अगर कोई पार्टिकल ट्रैवल करता है 3/4 अपॉन टोटल टाइम जो है v1 के अंदर, नेक्स्ट 1/4 जो ट्रैवल होता है v2 में होता है, कितनी होगी एवरेज स्पीड? कैसे निकालते हैं? करना कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन करते कुछ नहीं, ऐसे एवरेज निकालते हैं, जितना जितना हिस्सा v1 का ऊपर है और जितना हिस्सा v2 का ऊपर है वो दोनों को मिला के प्लस कर देंगे अपॉन टोटल। ठीक है, क्या कर देंगे? अपॉन टोटल टाइम कर देंगे। कैसे कर देंगे? अपॉन टोटल मतलब कितने कितने एन है, एन कितना है? एन कितना है? 4 है। समझ में आ गया? तो वो कर देंगे 3v1 + v2 / 4 कर देंगे। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जो क्वेश्चन आप आराम से कर ही लोगे, आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा आगे पढ़ते हैं क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तुमको बेटा हमने कहा वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस अपॉन डीएस, वी इक्वल डीएस अपॉन डीटी होता है। जब हमें एक्स निकालना होगा तो हमें करना पड़ेगा, हमें वी का क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए, चेंज अगर या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज जो है वो इंक्रीज के अंदर आया तो स्पीड अप होता है, वेलोसिटी के अंदर चेंज जो है वो डिक्रीज के अंदर आया तो स्पीड डाउन होता है। स्पीड अगर डाउन है तो कन्फर्म है क्या होगा? रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन मतलब क्या होगा? रिटार्डेशन मतलब कि एक्सेलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन। समझ में आ गया? लेकिन अगर स्पीड है तो कन्फर्म नहीं होगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही, अगर स्पीड अप है तो कन्फर्म नहीं होगा कि एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर ही होगा। स्पीड अप का मतलब अभी भी ये नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? पहली बात तो ये, एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तभी पॉसिबल है जब वी और ए जो है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, एवरेज एक्सेलेरेशन कितना होता है? v2 - v1 / t2 - t1 होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन क्या होता है? a = v dv/ds होता है। अब जानते हैं क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या होता है। चलिए अब जानते हैं क्या होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन। देखिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट तो होता है तभी न्यूटन की इक्वेशन लगती है v = u / at = u / v² = v² = u² - 2s। समझ में आ गया?
क्वेश्चन बोले यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, समझ में आ गया। जो वी इज कॉल्ड यूपेसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा हमें जब किसी बॉल के ऊपर फेंकते हो तो पॉजिटिव आएगा लेना, तो नीचे फेंको तो नेगेटिव लेना, समझ में आ गया। इसके अंदर हमेशा तुम्हें क्या करना, हमेशा वी इज कॉल्ड यूपेसिटी एटीन करना क्या, साइन के साथ हर चीज़ लेनी है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन तुम देख ही सकते हो कैसे करना है, ठीक है। अगर यू बोल रहा है ईस्ट के अंदर से कि तुमने क्या ले लिया, इसको ले लिया पॉजिटिव, ले लिया वेस्ट, लिया तुमने नेगेटिव ले लिया, तुमने ऐसे एक्सप्रेशन निकाल लिया, समझ में आ गया। अगर अभी दिया वो एक्सप्रेशन इक्वल टू केट दिया, मतलब ये नॉन इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है, सिंपल सा अगर यूनिट देता है मैथमेटिकल यूनिट का, तो यूनिफॉर्मेशन समझ में आ गया। वैसे ही वाला क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को तुम बहुत से ध्यान देखोगे, तुम पॉज करके देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, क्योंकि हम लोग वी को जो है, क्योंकि यू को ऊपर फिर तो पॉजिटिव ले लिया था, यू जो है वो नीचे आ रहा था वो, तो हमने नीचे नेगेटिव ले लिया जाके, ठीक है। और बाकी ग्रेविटी नीचे नेगेटिव लगती है, जब ग्रेविटी नीचे नेगेटिव लगती है टाइम हमने उससे निकाल लिया है, ठीक है। देख लेना, समझ लेना, अच्छे समझ में आ गया। आगे बेटा पढ़ते हैं, कुछ थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो ये हैं कि एस स्क्वायर टी प्लस हाफ ए टू स्क्वायर है, लेकिन अगर एन एस सेकंड बोले तो एस इसको एन एस कितना होता है, यू प्लस टू एन माइनस वन ए अपॉइंट टू होता है, डेल्टा एस इसको टू यू प्लस वी अपॉइंट टू टी भी होता है। किसी बॉल को अगर हम हाई से ऊपर नीचे फेंकते हैं वी स्पीड से, वी यू स्पीड से कितना होता है, टाइम फ्रैक्ट कितना होता है, टी स्क्वायर अंडर टू जो पॉइंट जीरो होता है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एच के होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टी जो होता है वैसे प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट जी, समझ में आ गया। क्वेश्चन अगर कभी भी बोलते हैं बताइए कि फिफ्थ हाफ सेकंड, तो फिफ्थ हाफ सेकंड मतलब ये होता है डिस्प्लेसमेंट पूछे तो उसका मतलब ये होता है कि आपको फाइव अपॉइंट टू में से 5.2 में से माइनस करना है यू के यू टू को, समझ में आ गया। देखिए फिफ्थ हाफ सेकंड मतलब ये होता है कि जो टी की वैल्यू आप निकल, जो आप टी की वैल्यू लोगे 5.2 से 2 तक लोगे, इसलिए देखिए क्या क्या जीरो एक 10 हो गया, 0.2 हो गया, 5.2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, इसे आंसर निकालना, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं, जैसा तुमको बेटा हमने कहा डिस्टेंस सेम होती है तो टाइम का जो रेशियो निकल के आता है वन डाउट वन इज टू अंडर आउट टू माइनस अंडर आउट वन इज टू अंडर आउट थ्री माइनस अंडर आउट टू, समझ में आ गया। किसी भी हाइट से अगर बॉल को ऊपर ऊपर फेंकते हैं बोलते टाइम बताइए, समझ में ऐसे क्वेश्चन करना कुछ ना पॉजिटिव, तो वीडियो देखोगे जिसमें हाइट तो तुम्हें ले ली है वो नेगेटिव ले लेनी है, ऊपर फेंक तो पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। ग्रेविटी नीचे नेगेटिव होती है, तुमने टाइम रेशियो निकाल लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, किसी हाइट से अगर बॉल को हमने नीचे फेंकी यू स्पीड से, हाइट तुम्हें इसके अंदर नेगेटिव लेनी है क्योंकि नीचे फेंकें तो यू नेगेटिव हो जाए, इस क्वेश्चन के अंदर ग्रेविटी वैसे नीचे नेगेटिव होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न बोलता है कि पार्टिकल जो है मूव करता है स्ट्रेट लाइन 10 सेकंड के लिए इतने एक्सेलरेशन से, नेक्स्ट 10 सेकंड मूव करता है इतने एक्सेलरेशन से, हमने बोला टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल, ठीक है। तुम समझ गए इस क्वेश्चन करना कुछ नहीं, तुमने क्योंकि ड्रेस से स्टार्ट किया तो एक्सेलरेशन दिया हुआ टाइम दिया, तुमने पहले डिस्टेंस निकाल लिया, एलिमेंट निकाल लिया, तुमने इससे वी निकाल लिया, इसका जो वी है दूसरे वाले के लिए यू की तरह काम करेगा जाके, ठीक है। वहाँ पर तुम्हारे पास डिस्टेंस है, वहाँ पर भी तुम्हारे पास टाइम है, टाइम को होल्ड कर देना तुम, ठीक है। सो L2 आ जाएगा, L1 प्लस L2 जो टोटल डिस्टेंस अपने पास आ जाती है। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी स्टोन ऊपर थ्रो किया जाए, पार्टिकल अपवर्ड किया जाए, जो टाइम ऑफ अपवर्ड मोशन T1 है, टाइम ऑफ डाउनवर्ड मोशन T2 है, एयर रिएक्शन हमें मानना है, बताइए कि इसमें T1 T2 ज़्यादा होगा। ऐसे क्वेश्चन को सोचना ही नहीं है, जो टाइम नीचे आने का जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, वो तुम थोड़ा सा इसको पॉज करके वीडियो देख लो तुम समझ में आ, क्योंकि अगर तुम बॉल ऊपर फेंकोगे जिस डायरेक्शन में हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है उसका डायरेक्शन में फोर्स होता है, समझ में आ गया। जब तुम इसके क्वेश्चन बनाओगे कितना आ जाएगा वी माइनस एयर, मतलब तुम जब इसके क्वेश्चन बनाओगे कितना आ जाएगा बोलिए, जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हो हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन पीछे लगेगा, ग्रेविटी पीछे लगे तो A1 कितना हो जाएगा जी प्लस ए हो जाएगा, जब इसको नीचे फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन इसके ऊपर लगेगा, ग्रेविटी नीचे लगेगी तो कितना हो जाएगा यहाँ पे जी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तुमको पीछे पढ़ा के आया तो टाइम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट जी के, मतलब अंडर रूट जी मतलब एक्सेलरेशन, समझ में आ गया। इसका एक्सेलरेशन कम है मतलब इसका टाइम जो है ज़्यादा लगेगा, नीचे समय जो है ज़्यादा लगेगा, सीधी सीधी बात ही है, ठीक है। बाकी सब आपसे जानते हो ही, ठीक है। लास्ट सेकंड फंडा में तो बता चुके कितना होता है, इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी माइनस एन, ठीक है। जैसा तुमको बिठाना लास्ट सेकंड फॉर्मला के और एस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी माइनस वन एन का होल स्क्वायर, एन क्या लास्ट सेकंड का अमाउंट होता करना है, ठीक है। अगर टाइम इंटरवल इक्वल होता तो एस की रेशियो कितना होता है, एस वन एस टू एस थ्री रेशियो होता है, माइनस टू थ्री टू फाइव टू सेवन टू नाइन, समझ में आ गया। क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यू जीरो से, कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, यू जीरो से है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन रेशियो का डिस्टेंस कितना है टी फोर्थ और फिर थर्ड सेकंड में। अगर हम देखोगे फोर्थ और थर्ड सेकंड में इनके बीच का जो इंटरवल है सेम है, मतलब टाइम का जो इंटरवल है सेम है, और टाइम का इंटरवल सेम होता है तो डिस्टेंस का रेशियो आता है वो ये वाला आता है। इस कॉन्सेप्ट करो कितना अंदर आएगा 7.5 आएगा, देख लेना। किसी भी बॉल को हम जब ऊपर फेंकते हैं, किसी बॉल को हम लोग जब ऊपर फेंकते हैं तो मान लेते हैं किसी एक कांस्टेंट हाइट पे आने के लिए इसको जब जाता है उसको टी वन समय लग रहा है, और जब जाके आने का जो समय लगता है टी टू लगता है, टोटल समय कितना हो गया साइड पहुंचने के लिए, टी इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू हो गया, समझ में आ गया। जैसे लगाते हैं फॉर्मूला लगाते हैं टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू यू अपॉन जी लगाते हैं, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी वन टी टू लगाते हैं, ठीक है। आगे जानते हैं क्या होता है एन एस ड्रॉप के लिए, तो ये फॉर्मूला क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन एस ड्रॉप के लिए,
एन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप जो होता है डी इज इक्वल टू एन माइनस एन अपॉन एन माइनस वन का होल स्क्वायर एच होता है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन और कार मिडवे कितनी होती है, वो अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन टू होती है। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए कोई भी गाड़ी चल रही है, यू स्पीड से एक्सलेशन पीछे लग रहा है और उसने अचानक से ब्रेक डाल दिया है। ठीक है, उसकी स्पीड जीरो है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये होता है डी इज इक्वल डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यू स्क्वायर अपॉन टू है, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, जो कि रिटार्डेशन के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला कि किसी स्टोन को वेट करते हैं स्पीड यू से, सच है डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्टोन थर्ड एंड थर्ड एंड टेन सेकंड। ठीक है, थर्ड अगर बोल रहा है तो कन्फर्म देखो थर्ड एंड टेन सेकंड। अच्छा, जब इस क्वेश्चन का बहुत ध्यान से उस समझ में आगे बोल रहा है कि जिस यू स्पीड फेंका गया है जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है थर्ड और टेन सेकंड में वो सेम है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्टोन सेम है। मतलब ये देखिए ये वो वाला फॉर्मूला लग जा रहा है, यहाँ भी जो है ये वाला कॉन्सेप्ट लग जा रहा है सामने आएंगे। तो टी1 कितना हो गया, थ्री हो गया, टी टू का टेन सेकंड बोला जा रहा था, टी टू के लिए तुम दोगे नाइन लोगे, एक कम लिया जाता है सामने आ गया ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, टू अपॉन जी बराबर कितना यू, तो आपका आंसर आपने आप आ जाएगा सामने आ गया। नॉन यूनिफॉर्म इक्वेशन तो बता चुके हैं कभी भी हमेशा, देखिए जो ऐसे फॉर्म में दिया हुआ वी स्क्वायर टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी पावर फोर दिया हुआ है, आपसे एक्सलेशन मांग रहा है। बाकी भी आप क्वेश्चन देख सकते हो, इसमें बोल रहा है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर थ्री अपॉन फोर के डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है। तो आपको पता है कि हमेशा वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट पे आना तो क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर दो। वेलोसिटी से अगर एक्सलेशन में आना तो क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन कर दिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा सा आगे समझते हैं। तो तुमको अपना क्वेश्चन बोलना है कि एक्सलेशन पार्टिकल एक्सलेशन जो दिया हुआ इतना दिया, एक्सलेशन दिया हुआ है, बोलना टर्मिनल वेलोसिटी बताइए कितनी होगी। देखिए टर्मिनल वेलोसिटी मतलब ये होता है कि टर्मिनल वेलोसिटी मतलब होता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी मतलब होता है मैक्सिमम वेलोसिटी, इसमें एक्सलेशन जो होता है जीरो होता है, इसको जीरो इक्लेमेंट कर देना तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। आगे पढ़ते हैं ग्राफ के बारे में, ग्राफ में हमने तुम्हें कहा था पहले पढ़ते हैं स्लोप के बारे में। स्लोप निकालने का तरीका ये होता है कि दोनों यूनिट जो है वाई अपॉन एक्स जो होती है उसको यूनिट में डिवाइड कर देते हैं तो आपको यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, सपोज एक्स और टी का जो है क्या स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। हमेशा जो भी क्वांटिटी का ग्राफ दिया जाता है उसके जो ऊपर वाला होता है वो स्लोप देता है, उसके जो नीचे वाला होता है वो तुम्हें एरिया देता है। तो जो वी और टी का जो है ऊपर स्लोप क्या होगा, एक्सलेशन होगा। ठीक है, और अगर तुम्हें कोई अगर वैसे दे रहा है कि दो वाई एक्सिस दिया वैसे तुम्हें जो ऐसी क्वांटिटी मिली तुम्हें सोनी एक्स का स्लोप क्या होगा, तुम्हें करना क्या पड़ेगा, तुम्हें यूनिट अपॉन यूनिट कर देना वाई अपॉन एक्स, तुम्हें अपने आंसर मिल जाएगा। अगर तुम पॉज करके देख सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं एरिया की ओर। एरिया तुम्हें हमने कहा था वही चीज़ है, एक्स ओ टी का एरिया जो है जीरो होगा, लेकिन जब वी ओ टी के पढ़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सब लोग जानते हैं अच्छे से ही एरिया निकालने के लिए दो यूनिट का करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए, कुछ क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ध्यान से समझ लो क्या दिया जा रहा है। बोला है बी है टेबल, बोला वेलोसिटी कितनी होगी ए और बी पे, सबको पता है एक्स और टी का ग्राफ है तो कर्व में जो वेलोसिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो इनका जो स्लोप होगा क्या होगा, तुम्हें वेलोसिटी ही देगा। स्लोप लेने का तरीका क्या होता है, या तो एम टेन थीटा होता है, समझ में आ गया, टेन थीटा लगा टेन सिक्सटी का दिन टेन थर्टी का दिन अपने आप से स्लोप मिल जाएगा, समझ में आ गया। ये पता है हमें ए और टी का ग्राफ की ए और टी का जो एरिया होता है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, करना क्या पड़ेगा तुम दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, सपोज को ए और टी ग्राफ दिया तो मैं बोलना बताओ इसका एरिया क्या होगा, तुम्हें करना क्या पड़ेगा दोनों की वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देना, जो यूनिट आए वही क्या होती है वो आंसर होगा, समझ गया, क्या एरिया को चेंज इन वेलोसिटी होता है। ठीक है, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे ग्राफ का भी दिया हुआ है कि एक्स और टी ग्राफ दिया हो तो जो वेलोसिटी होगी स्लोप की, सर जो स्लोप होगा वही तुम्हारा वेलोसिटी शो कर रहा होगा, समझ में आ गया। यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, वी टी ग्राफ जिसका स्लोप इसका ज़्यादा होगा उसका एक्सलेशन ज़्यादा होगा, समझ में आ गया। चलिए बेटा आगे पढ़ते हैं कुछ ग्राफ क्या है, पढ़ते हैं ग्राफ के, जैसे कि तुमको बेटा हमने कहा था कि हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर लाइन का ग्राफ दिया हुआ है, कभी भी अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया हुआ है तो जो उससे ऊपर वाली क्वांटिटी होती है उसका ब्लॉक वाला ग्राफ बनता है, और कभी अगर लाइन वाला ग्राफ दिया हो, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ दिया हो तो उससे नीचे वाली क्वांटिटी होती है उसमें कर्व वाला ग्राफ बनता है, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जाना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे वी का ग्राफ, वी ओ टी ग्राफ जो दिया हुआ स्ट्रेट लाइन में दिया हुआ है, इसीलिए ए ओ टी ग्राफ जो दिया हुआ है ब्लॉक फॉर्म में दिया हुआ है, वी ओ टी ग्राफ जो है लाइन फॉर्म में दिया, इसलिए एस ओ टी ग्राफ जो दिया कर्व फॉर्म में दिया हुआ है। स्ट्रेट लाइन में जो होता है हमेशा स्लोप कॉन्स्टेंट होता है, समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं जैसे तुमको बेटा हमने इस क्वेश्चन के अंदर कहा है कि एक्सलेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, हमें पता है कि ए और टी ग्राफ दिया हुआ है तो इसका जो एरिया होगा वो तुम्हें वेलोसिटी देगा, समझ में आएगा। वेलोसिटी वी नॉट दिया हुआ है तुम्हें, अगर हम सिर्फ सिक्स तक का एरिया निकालते हैं तो कितना था, हाफ परसेंट टू हाई का 30 आ गया। ठीक है, तो उसमें तुम्हें अगर याद हो मैंने तुम्हें हमसे हमेशा कहा है कि हमेशा ए टी ग्राफ जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी नहीं देता। ठीक है, तो ये वी सिक्स से वी नॉट तक का चेंज दिया हुआ है 30 आगे, समझ में आ गया। वी सिक्स में से माइनस कर दिया वी नॉट इसको 30 का देना है, वी नॉट के बाद वेलोसिटी दिया हुआ है वी सिक्स कितना आ गया 32 आगे, समझ में आ गया। अब हमने जो इस ट्रायंगल का एरिया निकाला है कितना हो गया, हाफ बेस इनटू हाइट कर लिया है, हाफ बेस इनटू हाइट हमने कर लिया है। ठीक है, 20 आ गया, यहाँ पे जो एरिया आया है वी एट माइनस वी सिक्सटीन का है, हमें वी एट निकालना है। ठीक है, और वी सिक्सटीन कितना आया है, सुन तो लो वी सिक्सटीन कैसे आया है। ठीक है, समझ पाए, अब जो हमने एरिया निकाला है सेकंड ट्रायंगल को कितना आ गया, माइनस 20 आ गया। तो जो ये एरिया है वो देता है वेलोसिटी ऑफ वी एट माइनस वी सिक्स आता है, इसको तो माइनस 20 आता है। ठीक है, अब वी एट का हमें निकालना है, इस वेलोसिटी निकालनी है तो कितना आ जाएगा, माइनस 20 में से हम लोग वी सिक्स कितना 32 है, हम लोग प्लस कितना 12 मीटर आ जाए, 12 सेंटीमीटर पर आ जाएगा, समझ आ गया।
अब अगले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन तुमको बोलता है कि ये वी और टी ग्राफ दिया हुआ है, अल्फा जो है एक्सलेशन है, बीटा जो है रिटार्डेशन है। क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ, टी में सी टू समझ आता है, टी आता है। तो टी वन निकालने के लिए बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा टी कर लेते हैं, टी टू इक्वल टू अल्फा अपन अल्फा प्लस बीटा टी कर लेते हैं, वी मैक्स इक्वल टू अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा टी कर लेते हैं, वी एवरेज जो होता है वो वी मैक्सिमम का आधा होता है, वी मैक्सिमम इतना है तो वी एवरेज कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा टी अपॉन टू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अभी जानते हैं कुछ ग्राफ का पढ़ते हैं। कुछ ग्राफ में से तुमको बेटा हमने कहा था यहाँ पे कि डिस्टेंस से वेलोसिटी निकालना डिफरेंशिएशन करो, वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालना इंटीग्रेशन करो। अगर तुमको बेटा हमने कहा था कोई अगर रेस्ट ग्राफ बोल रहा है तो एस टी कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वी और टी कुछ बनेगा नहीं, ए और टी कुछ बनेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी बना तो वेलोसिटी जो वी और टी ग्राफ उसके अंदर सिंपल से स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन एस और टी में कितना होगा स्ट्रेट लाइन कैसे चली जाएगी, एस ए टी में कितना होगा जीरो हो जाएगा। जब बोले कांस्टेंट एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन मतलब कि ए टी ग्राफ में सिंपल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, वी वाले में स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और उससे नीचे वाले क्या बन जाएगा कर्व बन जाएगा। कांस्टेंट रिटार्डेशन मतलब कितना हो, रिटार्डेशन मतलब कितना हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा, वी नीचे गिर जाएगी जाके और जो एक्स है वो नीचे वाला कर्व बन जाएगा। क्लियर है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे तुमको बेटा हमने कहा था कि कोई बोलता है कि अगर एन परसेंट स्टैंड करते हैं, कोई अगर एन परसेंट स्टैंड करते हैं, वर्टिस में स्टार्ट मूविंग टुवर्ड मीटर चलता है, समझा गया, तो टी इज इक्वल टू ए अपन वी वन माइनस कॉस टू पाई एन होता है। मान लेते हैं बुलेट जो है वो लूज करे वन एनथ ऑफ वेलोसिटी वाइल पासिंग थ्रू प्लैंक, बताइए कितना नंबर प्लैंक में वेलोसिटी जो है स्टॉप जीरो हो जाएगी। तो उसका निकालने का तरीका क्या होता है, जो एन के लिए यहाँ से निकालोगे कैसे निकालते हैं, एन स्क्वायर अपॉन टू एन माइनस वन निकालते हैं। जब हम लोग एस एनथ अपॉन एस की वैल्यू निकालते हैं कितनी आती है, टू एन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर से निकालते हैं। मान लेते हैं किसी प्लेटफॉर्म से किसी किसी बॉल को हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, या उसी सेम प्लेटफॉर्म से बॉल को नीचे थ्रो कर रहे हैं, उसी प्लेटफॉर्म से हम बॉल को नीचे सिर्फ ड्रॉप कर रहे हैं, तो जो यू आता है इज इक्वल टू हाफ जी टी वन माइनस टी टू होता है, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी वन टी टू होता है, टी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट टी वन टी टू होता है। ठीक है, बैरल के अंदर जब बुलेट जाएगी तो उसकी यू जो है जीरो तो मानना है। मान लेते हैं किसी बॉल को ऊपर से नीचे कुएं फेंक रहे हो, तो जो स्प्लैश हर्ड होता है आफ्टर टी सेकेंड आफ्टर सम स्टोन ड्रॉप इन वन, तो बताइए टाइम कितना होगा, जो स्प्लैश हर्ड होता है आफ्टर टी सेकेंड आफ्टर स्टोन ड्रॉप इन वेल, टू टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू अपॉन जी प्लस एच अपॉन वी ऑफ साउंड, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप इस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल दिया रहा है पोजीशन पार्टिकल जो है एक्स टू टी उसका मैं सी टी प्लस फोर दिया है, बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट में बताओ डिस्टेंस में बताओ 3 सेकंड में। हमने क्या कर लिया, पहले हमने क्या कर लिया है इसका डिफरेंशिएशन करके हमने वी निकाल लिया है, तो मेरे पास वी की जो पूरी आ गई क्वेश्चन है वही आ गई, माइनस थ्री बन रहा मतलब इंटरसेप्ट का नेगेटिव। हमने ग्राफ बनाया है वी और टी का, तो हमने देखा है माइनस थ्री लिखा है मतलब इंटरसेप्ट जो है नेगेटिव है, हमने नेगेटिव स्लैन की दी और टेन 3 सेकंड बोल रहा है तो क्रॉस करा दिया 1.5 पे। अब इन दोनों को पूरा ऐड कर दो इसके एरिया, तो डिस्टेंस निकल आएगी, माइनस कर दो क्या निकल आएगा डिस्प्लेसमेंट निकल आता है। चलिए आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कैसे ग्राफ को कन्वर्जन कराते हैं। नहीं पहले कि यहाँ पे एस और टी ग्राफ दिया हुआ, वी और टी ग्राफ पूछ रहा है। अब सोचिए जरा कि अपने से ऊपर क्वांटिटी ग्राफ पूछ रहा है, तो ओके पहले कर्व बना हुआ है, ये कर्व बना हुआ है और अपने से ऊपर क्वांटिटी ग्राफ पूछ रहा है, कौन सा ग्राफ आएगा, वो आएगा स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आएगा। ठीक है, इसका सिर्फ स्लोप देखो, इसका स्लोप जो है पॉजिटिव है, फिर बीच में कांस्टेंट आ रहा है, फिर स्लोप बीच में निकल नेगेटिव, पहले स्लोप जो है पॉजिटिव आ रहा है फिर जीरो आ रहा है फिर बीच में नेगेटिव आ जा रहा है, समझ आ गया। चलिए देखते हैं, स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है स्लोप पॉजिटिव, देखिए क्या इसका स्लोप पॉजिटिव है, नहीं पॉजिटिव है, हाँ इसका स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन ये नहीं लेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन वाला कर्व चाहिए, तो ये नहीं होगा। ठीक है, स्लोप तो नेगेटिव ही नहीं हो रही है, स्लोप पॉजिटिव बीच में जीरो है फिर बीच में नेगेटिव, तो ये आंसर सही हुआ, नहीं पूछना आया व्यू हुआ है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्वेश्चन बोल कह रहा है किसी बॉल को ऊपर थ्रो किया जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड विद द फॉलोइंग स्टेप जो है स्पीड टाइम लाइफ रिपीट करते हैं, किसी भी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो जी प्लस ए आ जाता है, अगर नीचे आती है बॉल तो जी माइनस ए आता है, मतलब बता चुका हूँ जितना एक्सलेशन ज़्यादा होगा उतना ही वी ज़्यादा होगा। तो अगर हम पिछले क्वेश्चन में पता भी होगा, अगर हम ऊपर बॉल को फेंकते हैं तो जी प्लस ए आ रहा है, एक्सलेशन ज़्यादा आ रहा है तो वेलोसिटी ज़्यादा आ जाएगी, देखिए ज़्यादा आ रही है फिर बीच में आके जीरो हो गई, फिर जब वो नीचे उतर रहा है तो एक्सलेशन कम हो रहा है, एक्सलेशन कम हो रहा है मतलब वेलोसिटी कम हो रहा है, ऐसे चला जाएगा, समझ में आ गया। चलिए थोड़ा आगे समझते हैं, तुमको बेटा हमने कहा था क्वेश्चन में बोल रहा है कि पार्टिकल जो है जीरो से स्टार्ट कर रहा है, सॉरी पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन वी दिया हुआ है, तुम्हें कांस्टेंट तुम्हें एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, बोल रहा है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल कितना होगा, जब एक्स इतना दिया हुआ व्हाट इज स्पीड एट दैट टाइम, बोल रहा है, समझ में आ गया। देखिए अब हम लोग पहले करते हैं कि तुम्हें ए दिया हुआ है वी ओ दिया हुआ है, पहले क्यों ना हम डिस्टेंस की क्वेश्चन बना लेते हैं, कितना आता है वी नॉट टी हाफ ए टी स्क्वायर निकल लिया है, फिर मेरे पास जो दोनों सॉल्व करने क्वेश्चन जो आई है वो आई है 5 i² आ गई है और कितना आ गया 1.5 i² आ गया टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, दोनों मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ पे आई मतलब टी स्क्वायर जे का आ गया, जितना भी एक्स कोऑर्डिनेट वाला है हमने उसको 84 बराबर कर दिया है और हमने यहाँ से टी वैल्यू निकाल लिया, जो मेरे पास टी वैल्यू आई है हमने यहाँ पे वाई में रख दी है जाके, तो मेरे पास सॉरी टी की वैल्यू मैंने रख दी है तो जे कोऑर्डिनेट रख दिया मेरे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये भी यहाँ पे ग्राफ कन्वर्जन वाले हैं, सुनो
AOTA ग्राफ से स्ट्रेट लाइन में दिया हुआ है और वी क्या पूछ रहा है, अगर कभी कभी भी तुम्हारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन में दिया हुआ है और तुमसे नीचे वाला ग्राफ पूछा जा रहा है तो तुम क्या बनाओगे, हमेशा कर्व वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो वी ओ टी ए ग्राफ कैसे बन जाएगा यहाँ पे, कर्व वाला, क्यों? देखिए ये वाला ग्राफ जो शो कर रहा है कि इसका स्लोप पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा, यहाँ पे शो कर रहा है कॉन्स्टेंट जो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, समझ में आ गया। कभी तुम्हारा जो ग्राफ बन रहा है ब्लॉक वाला बन रहा है और तुमसे ग्राफ पूछ रहा है उसके नीचे वाला पूछ रहा है तो कौन सा वाला स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनेगा, इसका ब्लॉक जो है पहले कॉन्स्टेंट है, देख के लग रहा है इसका ग्राफ पहले ये ना देख लग रहा है कि कॉन्स्टेंट जा रहा है तो हमने ये पहले कॉन्स्टेंट बना दिया है, सॉरी इसका जो पॉजिटिव स्लोप शो कर रही है। अब आगे देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट जो है मोशन या प्लेन। ठीक है, मोशन या प्लेन जो हम समझ में आता है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। रिलेटिव मोशन हमने कहा था कि ये चिंटू है, मिंटू है, चिंटू इसमें इस तरफ जा रहे हैं, मिंटू इसके अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, तो जब हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ चिंटू विद रिस्पेक्ट टू मिंटू कैसे करेंगे, चिंटू वेलोसिटी माइनस ऑफ मिंटू वेलोसिटी, लेकिन मिंटू डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए हमने यहाँ पे मिंटू, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, अब यही पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मिंटू विद रिस्पेक्ट टू चिंटू। ठीक है, मिंटू का पहले लिखेंगे फिर चिंटू लिखेंगे। ठीक है, मिंटू का डायरेक्शन अभी भी नेगेटिव है तो यहाँ पे अपोजिट है, तो अपोजिट है तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया है, माइनस बीच में ऐसे भी आता ही है। ठीक है, चिंटू साइड डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव लगाते हैं, समझ में आ गया कि पूरा रिलेटिव कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो बेसिकली रिलेटिव में होता है क्या, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो नेगेटिव लगता है और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते हैं तो पॉजिटिव लगता है, समझ में आ गया, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है। चलिए अब आगे देखते हैं, जैसे तुमसे बोल रहा है कि वेलोसिटी देखिए वी है वी बी है दोनों क्या सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ माइनस माइनस हो गया, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, समझ में आ गया। कभी भी दो ट्रेन की लेंथ दिया हो और उनको ऐड करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना है रिलेटिव के अंदर। ठीक है, पहली बात ये, दूसरी बात ये, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमें पता है इस क्वेश्चन के ऊपर वाला क्वेश्चन तुम देखोगे तो समझ में आएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी जब अगर कभी मैन खड़ा हुआ है ट्रेन के ऊपर तो उसकी रियल वेलोसिटी नहीं बल्कि वो रिलेटिव हेड ट्रेन, समझ में आएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट ट्रेन कितना हो गया, वी एम माइनस वी टी हो गया है। जब हम वी एम निकालेंगे तो वी एम टी प्लस वी टी से करेंगे एडिशन होगा। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ वेलोसिटी में नहीं लगता है बल्कि एक्सेलरेशन में भी काम करता है, जैसे कि एक्सेलरेशन ऑफ बी रिस्पेक्ट टू सी कितना होगा, ए बी माइनस ए सी हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ वन डी में लगता है, अंडर ग्रेविटी में नहीं लगता है। अब क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये बस है, मैन है, 40 मीटर बिहाइंड में है, बस जो स्टार्ट करती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, दोनों सेम स्टैंड पे है, सेम स्टैंड पे ही स्टार्ट होना चालू करते हैं, मैन जो स्टार्ट करता है वॉकिंग अराउंड कॉन्स्टेंट स्पीड 9 मीटर पर सेकंड है, बता रहा है कितना टाइम चाहिए जिससे कि बस जो है मैन को कैच कर लें। देखिए बस मैन कैच करे या मैन बस को कैच करे, सोल्यूशन दोनों का जो है एक ही है, मैं बताता हूँ कैसे, सुनो। ये क्वेश्चन रिलेटिव का है तो पहले हमने निकाल लिया है रिलेटिव स्पीड ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू बस, सब क्वेश्चन जो पूरा सॉल्व होगा मैन के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू बस, क्योंकि मैन कितनी है 9, बस की कितनी है 0 है। ठीक है, तो मेरे पास ये स्पीड आ गई है। ठीक है, अब जानते हैं एक्सेलेरेशन। ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू बस, मैन का एक्सेलेरेशन 0 है लेकिन बस का जो है 1 है, तो कितना आ गया -1 का आंसर आ गया। ठीक है, बाकी डिस्टेंस जो है मैन रिस्पेक्ट टू बस कितना दिया, 40 दिया हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं इसको टी टू प्लस हाफ टी स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये जब फॉर्मूला लगाएंगे 40 यहाँ दिया हुआ है, 9 आंसर देंगे, टी आ गया हाफ टी स्क्वायर। ठीक है, जब पूरी क्वालिटी क्वेश्चन बनेंगे तो मैंने सॉल्व कर लिया है, टी की दो वैल्यू आएंगी, जो छोटी होगी बड़ी होगी। छोटी वाली वैल्यू मतलब ये होता है टाइम टेकन मतलब मैन टू कैच द बस, बड़ी वैल्यू मतलब होता है टाइम टेकन मतलब बस टू कैच द मैन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा बोल रहा हूँ, कोई बिल्डिंग है जो कि 100 मीटर की, यहाँ से जो यू है कि मतलब बेसिकली जो बॉल ड्रॉप की जा रही है स्पीड 0 से, जबकि बॉल यहाँ नीचे थ्रो की जा रही है यू, उसको 50 मीटर पर सेकंड, उसके पहले बोलता था ये एक्सेलेरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेकंड की 1 है, सेकंड सन में आ गया। तो बेसिकली हमेशा रखना कि हमेशा जो एक्सेलेरेशन होता है माइनस जी के ही बराबर में होता है। तो बेसिकली एक्सेलेरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 मतलब पहले 1 लिखोगे फिर माइनस करना है 2 का। ठीक है, समझ में आ ही गया, बोलो क्लियर क्लियर है। ठीक है, तो हम सारा एक्सेलेरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 हो गया, लेकिन तुम्हें पता है कि ये दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 1 हो गया है माइनस हो गया है, माइनस हो गया ए टू सन में आ गया, तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी आ जाएगा, यहाँ बाहर माइनस वैसे लिखा ही हुआ है एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस सी होता है, प्लस हो जाएगा कितना आ जाएगा 0। कुछ समझ ना आए तो समझ लेना, कभी भी मीटिंग वाले क्वेश्चन या फिर कोलिजन वाले क्वेश्चन के अंदर, अंडर ग्रेविटी वाले क्वेश्चन के अंदर जो रिलेटिव एक्सेलेरेशन होता है हमेशा 0 ही आता है। अब बोल रहा बताइए कितना होगा टी 0 पे यू विद 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 सन में कितना आएगा, जो यू का है 0 है, 2 का -50 के ऊपर फेंक रहे हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा ये ऊपर, जब यू 2 जाएगा ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, तो यू 1 -50 यू 0 -50 हो गया, कितना आ गया -50 मीटर पर सेकंड आ जाता है, समझ में आएगा। थर्ड मतलब बोलता है कि थर्ड मतलब क्या बोलता है, थर्ड वाला क्वेश्चन कौन सा बोल रहा है, टाइम टाइम बताइए कितना जब बोल रहा है जब दोनों क्रॉस करेंगे, समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को भी हम लोग रिलेटिव से ही करेंगे। ठीक है, मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन के अंदर कैसे करना होता है, डिस्टेंस जो हाइट होती है उसको माइनस करना होता है, यू हमने निकाले जो कि रिलेटिव वाला कितना आ गया है -50 आ चुका है ना, बोलो
जो निकाल चुके हैं टी निकालना है प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलेशन जो था नेगेटिव में जीरो होता है पूरे जीरो हो रहा टी हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, सेम क्वेश्चन को आप यहाँ से वी निकालने के लिए भी करोगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से। अब बात आती है हाइट की, हाइट में फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हाइट में फॉर्मूला लगाते हैं स्क्वायर ड्यूटी माइनस हाफ ई टी स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, पहले हम निकाल रहे हैं ऊपर वाली हाइट के सामने आ गया। मान लेते हैं कि मीटिंग जो हो रही है किसी एक ऐसे पॉइंट पर हो रही है जहाँ पर जिसकी ऊपर से डिस्टेंस जो है वाई वन, नीचे से जो है एच माइनस वाई वन सामने आ गया। तो हमने कैसे ले लिया है, माइनस वाई वन ले लिया इज इक्वल टू यू जीरो है, जीरो हो गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, लोग निकाल चुके हैं मीटिंग के सामने आ गया। तो वाई वन जब हमने निकाल लिया है टोटल हाइट में बस 100 दिया हुआ, उसी से हमने क्या निकाल लिया, वाई टू निकाल लिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान से देखना सामने आ गया। और क्वेश्चन ये बोलता है कि एज अ रिलेशन रिलेटिव एक्सेलेरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू जीरो, देन देर इज नो चेंज इन द रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए, अगर रिलेटिव एक्सेलेरेशन जीरो है तो रिलेटिव वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन समझते हैं जो कि AI 2010 के अंदर आया था। क्वेश्चन ये बोल रहा है पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है एक्स इन टाइम टी। एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है इक्वल टू टी प्लस 5 की पावर माइनस 1, और जो एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल है प्रोपोर्शनल किसके होगा, देखिए एक्सेलेरेशन निकालना है। देखिए सीधी सी बात है कि जो ds upon dt है इक्वल टू वी होता है। पहले हमें एक्सेलेरेशन बताया, पहले मैं एक्सेलेरेशन निकालू सी सामने आ गया। तो वी इज इक्वल टू माइनस 1 आगे आ जाएगा, t 15 का माइनस 2 आ जाएगा, फिर इसको नीचे ले लिया। ठीक है, तो ये पहले आ गया, हमने वेलोसिटी को हमने फिर अंडर पहले रख लिया कि अंडर पहले में सेव कर रख लिया कि हमने इसको अंदर भेज दिया, तो अंडर भी आ गया t/5 आ गया सामने आ गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ से एक्सप्रेशन निकाला है, एक्सप्रेशन फिर से हम इसका डिफरेंशिएशन किया है। फिर जो t+5 की वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू जो है वो क्या अंडर रूट वी की भी थी, हमने अंडर रूट वी के लिए, हमने अंडर रूट वी के लिए रखती है, जाके 3 बाहर है कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। एक्सप्रेशन डायरेक्टली क्वेश्चन 3/2 क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कौन सा आता है, अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर बेटा आता है कि कोई बॉल जो है ड्रॉप हो रही है हाई राइज से प्लेटफॉर्म टू टी जीरो है यू जीरो है, वो लाटर 6 सेकंड में दूसरी बॉल में थ्रो किया था डाउनवर्ड। ठीक है, सेम प्लेटफॉर्म के लिए इसकी स्पीड भी है, दोनों बॉल में मीट करते हैं 18 सेकंड में, और इस वैल्यू भी देखिए पहले बॉल की जो होगी वो हाफ जी टी स्क्वायर की 18 हो जाएगी, लेकिन दूसरी वाली जो है वो 6 सेकंड बाद में फेंकी गई है, दूसरी वाली जो है वो 6 सेकंड बाद में फेंकी। ठीक है, बोल रहा है कि सेम प्लेटफॉर्म से हाई राइज से टी जीरो पे यू जीरो पे बॉल को ड्रॉप किया जाता है, और 6 सेकंड में दूसरी बॉल को ड्रॉप किया जाता है डाउनवर्ड, थ्रो किया जाता है डाउनवर्ड। सेम प्लेटफॉर्म से स्पीड भी है, दोनों बॉल मीट करते हैं 18 सेकंड में, बताइए वैल्यू ऑफ वी कितनी होगी। तो पहले बॉल का कितना हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, के टी स्क्वायर हो जाएगा। एस टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 18-6 वी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 18-6, क्योंकि वो बाद में फेंकी गई, उसको थोड़ा समय कम लगेगा जाके, 18-6 उसमें समय कम बताया ना हवा में लेना। ठीक है, 18-6 वी हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर के बारह ले लेना, दोनों को एस टू बराबर देना, अपना आंसर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं 2D कॉन्सेप्ट, बेसिकली 2D कॉन्सेप्ट नहीं, बेसिकली रेन वाटर प्रॉब्लम है। देखिए रेन वाटर प्रॉब्लम सिंपल कहता क्या है, अगर 2D के में जिसके रिस्पेक्ट में बोले उसकी डायरेक्शन को अपोजिट लेना सॉल्व करते टाइम, सिर्फ मूविंग करना स्टॉप कंडीशन में जैसा बोले वैसा ही लेना है, रेन वाटर प्रॉब्लम है। सपोज ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि मान लो बोल रहा है कि VI जो 3I जेकब दिया हुआ, V2 जो है 4 जेकब दिया हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी वन विद रिस्पेक्ट टू टू, तो वी माइनस V2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर जो बोला जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टू, तो जो टू की डायरेक्शन जो है वो ऊपर पॉजिटिव में जे गैप में, लेकिन हम यहाँ नेगेटिव में ले लेंगे, फिर यहाँ से एंगल ले लेंगे, तो हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा। जब बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू वन, तो अभी ये पॉजिटिव आई एक्सिस में जा रहा था, अब हम लोग उसको नेगेटिव में कर लेंगे, तो और ये जैसा है वैसे वैसे ही रहेगा, अब रिजल्ट जो है वैसे चला जाएगा। समझ रहे क्यों नहीं समझ रहे है ना, अब रिजल्ट जो है वैसे चला जाएगा। अब आगे समझते हैं क्या बोल रहा है, आगे क्या बोलता है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाना है जाके, क्या देखिए क्या यहाँ पे VR जो है नीचे गिर रहा है माइनस 8 जाके, ये मैन जो जा रहा है 6% इधर जा रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, अब फर्स्ट जो इधर जा रहा है अब हम उसका डायरेक्शन अपोइट कर देंगे, तो फर्स्ट जो है माइनस VM हो जाएगा। ठीक है, अब जो रिजल्टेंट वैसा बनेगा, हम डाटा चेंज नहीं करें, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं फॉर गेटिंग द थीटा, फॉर एंगल बनाने, टैन थीटा कितना था, VM/VR आ जाएगा। समझ आ गया, ये पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे काम करता है। सिर्फ इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिससे मूविंग केस में जो स्टॉप वाले केस है उसमें कुछ वैसा नहीं करना है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे नीचे वाला आता है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो, कोई पर्सन मूव कर रहा है स्ट्रेट रोड पे, स्पीड दिया हुआ इतना, और उसे अपीयर होती है फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड, से अपीयर उसे लगता है। ठीक है, मतलब VR में ये हो जाएगा, समझ आ गया, एज ये स्टॉप उसे रेन जो है अपीयर होती है फॉर वर्टिकली, फॉल एट एंगल 30 डिग्री विद वर्टिकल। ठीक है, मतलब बेसिकली VR ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये है स्पीड ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू पर्सन, रेन जो था ना विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, पर्सन जो पहले पॉजिटिव डायरेक्शन जाता है उस पर्सन का डायरेक्शन है वो नेगेटिव कर दीजिए, समझ आ गया। टेन टाइम जो थीटा बन जाएगा ऐसे बन जाएगा, समझ आ गया, पूरा सॉल्व किया आपको आंसर मिलेगा, समझ जाएगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जैसा बोलता है उसको वैसे ही करना। ठीक है, अब जानते हैं क्या होता है रिवर्स स्वीमर प्रॉब्लम, क्या आप जानते हैं क्या होता है रिवर्स स्वीमर प्रॉब्लम, क्या होता है रिवर्स स्वीमर प्रॉब्लम, कहता है ये है कि भाई साहब ये फ्लोट है, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा है, उसको अगर रिवर्स में तो जो
फ्लोट जो रिवर की लॉजिक हो गई, फ्लोट रिवर्शन भी होगा। कोई स्विमर अगर है वो रिवर के डायरेक्शन में जा रहा है तो बेसिकली वो स्विमर की खुद की लॉजिक तो होगी नहीं, वो क्या होगी रिलेटिव लॉजिक ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, हमने उसको वी1 मान लिया। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है रिवर की तो कितना हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये V2 हो जाएगा। तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ फ्लोट, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ फ्लोट इन स्टिल वाटर, मतलब उसकी खुद की वेलोसिटी कितनी होगी। तो बोलोगे तुम खुद की तो वेलोसिटी खुद की तो है नहीं फ्लोट की, तो जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू फ्लोट रिवर, वन वेलोसिटी ऑफ स्विमर की रिस्पेक्ट टू रिवर, तो वो V1 ही रहेगी। वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू रिवर और V2 रहेगी। वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड वाले को नजर आएगा कि जो रिवर जो स्विमर की वेलोसिटी और रिवर वेलोसिटी के साथ ऐड हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा कि रिवर वेलोसिटी मान लो और प्लस अगर हम मान लेते हैं उसकी रिलेटिव वेलोसिटी तो कितना होता है डाउन स्ट्रीम। वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है और अपोजिट डायरेक्शन मतलब होता है अपस्ट्रीम होता है उसकी खुद की, सॉरी मतलब क्या करना है उसकी, हमें क्या करना है हमें उसकी रिलेटिव वेलोसिटी में से माइनस करना है रिवर वेलोसिटी को। समझ लीजिए कभी भी जब भी कभी भी कोई इंडिविजुअल जो है रिवर वेलोसिटी में साथ जा रहा होता है उसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं, अगर अपोजिट जा रहा होता है तो उसे अपस्ट्रीम कहते हैं। समझ आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि बोट जो लगता है उसको 2 घंटे लगता है आने और जाने लगता है, 8 किलोमीटर दिया हुआ है, वाटर की स्पीड दिया हुआ है, टैंक कितना लगेगा जाने में अपस्ट्रीम में जो कि 8 किलोमीटर का कमिंग बैक। समझ आ गया, जाने आने में मतलब 16 किलोमीटर हो गया है, VSR कितना हो जाएगा 16/2 8 किलोमीटर पर आ गया जो कि रिलेटिव वेलोसिटी है। डाउन स्ट्रीम में तुमको बेटा हमने कहा था मतलब डाउन स्ट्रीम में सेम डायरेक्शन जा रहे हो तो वो 8 किलोमीटर हो गया है, लेकिन जो वेलोसिटी नीचे लेंगे जो समय टाइम निकालना है ना डाउन स्ट्रीम में कितना होता है VSR मतलब रिलेटिव वेलोसिटी प्लस रिवर वेलोसिटी दोनों प्लस कर देना है, आंसर आ गया। अपस्ट्रीम में करना क्या है कि पहले डिस्टेंस लिखना है फिर रिलेटिव में से VR माइनस कर देना, तो हमारा T2 आ गया, तो T=T1/2 आंसर आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बोलता है कि बेसिकली ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन देख लेना कि बोट जो है जाती है लेक में और रिटर्न करती है टाइम T0 के अंदर। ठीक है, T0 बेसिकली जाती है और उसको T0 टाइम लगता है स्पीड V। समझ में आ गया, रफ टाइम देखा ये गया है कि कोई दूसरी बोट हेल्प करती है स्पीड U से ऑनगोइंग जर्नी में और इम्पीट करती है डाउनवर्ड जर्नी में। ठीक है, इफ टाइम टेकन टू गो अक्रॉस एंड रिटर्न टू जर्नी टू बी T, देन T/T0 रेशियो बताइए। समझ में आ गया, पहले कोई सिंपल बोट अगर जाती है और आती है उसको सिंपल समय कितना लगता है, वो लगता है T0 लगता है स्पीड भी है, तो T0=2/V आ जाएगा। ठीक है, आप जो कोई दूसरी बोट में की अगर मदद करोगे तो जब तक तो वो साथ जाएगी तब तक डाउन स्ट्रीम रहेगा, तो T1=12/V1+U हो जाएगा, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन जाएगी तो T2=12/V-U हो जाएगा। T=T1+T2 होता है, टी तुमने टोटल निकाल लिया, T/T0 तुमने फिर क्या ले लिया, रेशियो ले लिया है। अब जानते हैं क्या होता है रिवर्स स्विमिंग प्रॉब्लम क्या होता है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या होता है रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम। जैसे तुमको बेटा हमने कहा था कि कोई भी स्विमर जो जाता है उसकी खुद की स्पीड तो होती नहीं है, क्योंकि जब वो रिवर में जाएगा तो उसमें हमेशा रिलेटिव फंडा काम करेगा। तो अगर ये VSR है तो ऊपर जो लगेगा वो VSR cos थीटा है, इधर लगेगा VSR sin थीटा। तो बेसिकली जब VSR की सिंपल सी हम लोग वेलोसिटी लिखेंगे कैसे लिखेंगे कि माइनस ऑफ VSR sin थीटा आ गया प्लस VSR cos थीटा j का। समझ में आ गया, ये विड्थ है, ये तुम्हारी कौन सी है, ये रिलेटिव ये रिवर की स्पीड। समझ में आ गया, देखिए सिंपल क्वेश्चन आता है कि सिंपल सा क्रॉसिंग अगर हमें रिवर क्रॉस करना है सिंपल टाइम पूछेगा तो टाइम इज इक्वल टू W मतलब कि विथ अपॉन VSR cos थीटा कर देना। शॉर्टेस्ट टाइम शॉर्टेस्ट पाथ फंडा लगा होता है, शॉर्टेस्ट टाइम में जो VSR होता है सामने होता है VR इधर होता है। समझ में आ गया, तो टाइम इज इक्वल टू W/VSR कर देना। शॉर्टेस्ट पाथ बोला तो VSR इधर होता है VS इधर होता है। समझ में आ गया, एंगल बनता है। टाइम इज इक्वल टू W/√VSR-VR का स्क्वायर। समझ में आ गया, टाइम इज इक्वल टू W/√VSR का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर इज इक्वल टू W/VS होता है। समझ में आ गया, हमेशा याद रखना कभी भी अपोजिट एंड पे जाने के लिए हमेशा रिवर वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए VSR के मुकाबले। समझ में आ गया, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या है कंडीशन ऑफ कोलिजन, जिसके अंदर हमने कहा था कि देखिए अगर ट्रक है ये मैन है तो या तो मैन जाए आदमी के पास वेलोसिटी ऑफ VCM तो टक्कर हो जाएगी, या फिर मैन चल के जाए ये ट्रक की ओर RCM से तो टक्कर हो जाएगी। तो बेसिकली आर का डायरेक्शन इज इक्वल बेसिकली डिस्टेंस डायरेक्शन इज इक्वल टू हमेशा नेगेटिव होता है वेलोसिटी डायरेक्शन। समझ में आ गया, एक क्वेश्चन यहाँ पे नीट के अंदर भी आया था, क्वेश्चन आया था कि बताइए यहाँ पे कि अगर एक R1 पार्टिकल है एक R2 पार्टिकल है, ये V1 वेलोसिटी जा रहा है U2 वेलोसिटी जा रहा है, तो एक टक्कर हम होने की संभावना क्या था। मैं तो पहले बता चुका हूँ कि बेसिकली डिस्टेंस ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू का डायरेक्शन इज इक्वल टू हमेशा नेगेटिव होता है वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू का डायरेक्शन। समझ में आ गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे R1 माइनस R2 का वेक्टर, क्योंकि हम पहले से बता चुके हैं कि बेसिकली डायरेक्शन इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। समझ में आएगा, तो बेसिकली R1 माइनस R2 का वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस ऑफ V1 माइनस V2 का
वेक्टर अपॉन वी माइनस वी टू का डायरेक्शन सर्न में आ गया, सॉरी डायरेक्शन नहीं मैग्नीट्यूड, ओके सेम क्वेश्चन यहाँ पर सर्न में आ गया। कभी भी अगर अपस्ट्रीम से डायरेक्शन में अपस्ट्रीम से जो एंगल बनेगा थीटा उसका यहाँ पे होगा, डाउन स्ट्रीम से जो एंगल बनेगा थीटा उसका यहाँ पे होगा, सर्न में आ गया। आगे तुमको बेटा यहाँ पे दिया हुआ था दो पार्टिकल है, एक ए है, आर ए है, आर बी है, वी है, वी बी है, वो लोग वैल्यू ऑफ एक्स रहेगी जब दोनों कोनेक्ट कर जाऊंगे। देखिए एक्स की जो वैल्यू है वो आई एक्सिस पे, तो हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो आई के लिए सॉल्व करेंगे, ये ट्रिक होती है, समझ में आ गया। हमें पता है कि डिस्टेंस ऑफ वन रिस्पेक्ट टू टू का डायरेक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉस्टी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू का डायरेक्शन, समझ में आ गया। तो हमने क्या कर लिया, टू माइनस एक्स माइनस कर दिया है इज इक्वल टू, हमने ये कर दिया है माइनस रख दिया है, थ्री माइनस एक्स कर दिया, हमें एक्स की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। सेम क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे निकाल लेंगे, सीखी बोल रहा है कभी दोनों पार्टिकल मिलेंगे इनकी रिलेटिव लॉस्टी निकाल लेना है, अपॉन जो लेंथ है वो स्क्वायर की कितनी है, आठ आठ है तो 24 हो जाएगा, टी के लोग तो अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें सबसे बोलना है कि कोई प्लेन जो है यू स्पीड से जा रहा है और उसके एल लेंथ नीचे एक दूसरा कोई बुलेट मारने वाला बैठा हुआ है, वो स्पीड वी से बुलेट मांग रहा है, बताइए किस समय पर जाके टाइम कितना हो जब बुलेट जो हिट करेगी प्लेन को, तब बोलोगे टी इज इक्वल टू एल अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, समझ में आ गया। ओनली व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिनिमम सेपरेशन, मिनिमम सेपरेशन फॉर्मूला जो होता है एल वी वन, एल वी वन अपॉन अंडर रूट वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है फाइंड यू फॉर कोलिजन, समझ में आ गया। इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, डी एक्स अपॉन वी एक्स हो गया, समझ में आया। बेसिकली डिस्टेंस एक्स का अपॉन वेलोसिटी एक्स का इज इक्वल टू डिस्टेंस वाई का अपॉन वेलोसिटी वाई का, समझ में आ गया। इसको पूरी तरह खोल देना, अपने आप आंसर तुम्हें मिल जाएगा। अब चलते हैं मोशन इन टू डी। चलिए देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है, बोल रहा है कि यहाँ पे आर पूरा दिया हुआ है, इसमें जो ए और बी और सी वैल्यू में दिया हुआ है, बोल रहा है वेलोसिटी कितनी होगी टी जीरो से लेके टी टू तक, हम टी जीरो एंड टी टू पे, और स्पीड कितनी होगी, समझ में आ गया। लेकिन सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना यहाँ पे ये है कि आर पूरा दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ है, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर ले तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो सामने हमने जो वैल्यू रखी यहाँ पे और जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो वी एस बना गया, वी वाई कितना आ जाएगा यहाँ पे, वी वाई आ जाएगा टू माइनस सिक्सटी आ जाएगा, समझ में आ गया। तो बेसिकली अगर हम जब हमें अब हमें समझ में आ गया ये चीज़, तो अब हमारे पास वी एक्स भी है, वी वाई भी है, हमने टोटल वी की मेरे पास क्वेश्चन आ चुकी है, टी जीरो पे रखोगे तो वी नॉट कितना आएगा, टी टू पे रखोगे तो वी नॉट कितना आएगा, मेरे पास दोनों क्वान्टिटी अच्छे से आ चुकी है, ठीक है। पहले समझ में आ गया, बोलो बोल क्लियर क्लियर, ठीक है। मेरे पास इसी अगर पूरी क्वेश्चन में अगर आप टी जीरो पे रखोगे तो वी नॉट कितना आएगा, वेलोसिटी कितनी आएगी, क्योंकि इन दोनों मिला के वी नॉट की क्वेश्चन बन जाती है, तो टी जीरो रखोगे तो कितनी क्वेश्चन बनती है, टी टू रखोगे तो कितनी वेलोसिटी बनती है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब जानते हैं स्पीड क्या होता है, स्पीड देखिए निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है। देखिए जिस प्रकार तुमको हमने कहा था वेक्टर में डायरेक्शन होता है, इसलिए हमने यहीं पर छोड़ दिया था। स्पीड में क्या है, हम इसका क्या ले लेंगे, अंडर आउट ले लेंगे, जो वी नॉट जो टी जीरो पे वेलोसिटी आई उसका क्या ले लेंगे, अंडर आउट ले लेंगे, हमें स्पीड मिल जाएगी, समझ में आ गया। तो वैसे ही जो टी टू पे जो वेलोसिटी आई इसका अंडर आउट ले लेंगे तो हमें स्पीड मिल जाती है। अब जानते हैं क्या होता है प्रोजेक्टाइल, चलिए आइए अब पढ़ते हैं क्या होता है लेवल टू लेवल प्रोजेक्शन। सिंपल सा मतलब होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल मोशन में। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आप हॉरिजॉन्टल मोशन करते हो, हॉरिजॉन्टल की तरफ करते हो, तो उसके अंदर यूनिफॉर्म मोशन प्लस अंडर ग्रेविटी दोनों मिला के होता है, समझ में आ गया। किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो यू स्पीड से तो मैक्सिमम हाइट पे उसका एक्सेलरेशन एट एक्स एक्सिस जो जीरो हो जाता है, एक्सेलरेशन एट वाई एक्सिस पे माइनस जीरो हो जाता है, समझ में आ गया। पहली बात ये उसी बात ही, जिस अगर आप किसी भी बॉल को ऊपर फेंकते हो यू से, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसे लिखोगे आप, इनिशियल वेलोसिटी लिखोगे यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू सेंटर जे कैप, समझ में आ गया। पहली बात, दूसरी बात ये बताइए आफ्टर टी टाइम बाद कितनी वेलोसिटी होगी, तो आफ्टर टी टाइम बाद जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो होगी यू साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगी, यू साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगी, जबकि एक्स डायरेक्शन में कितना होगा वी कॉस फाई इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। कभी भी आपसे क्वेश्चन बोलता है बताइए किसी नए एंगल पे नई वेलोसिटी कितनी होगी, तब फॉर्मूला लगाओगे वी कॉस फाई इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, समझ में आ गया। तो बेसिकली ओवरऑल कह सकते हैं कि टाइम टी पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी वी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, समझ में आ गया। पहले कितनी थी यू इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप थी, अब टाइम टी में कितनी हो गई है यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न ये आता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे, तुमको मैं बोल चुका हूँ कि जिस प्रकार हाईएस्ट पॉइंट पे वहाँ पे क्या कहता है एक्सेलरेशन जो है एक्स एक्सिस पे जीरो होता है, वाई एक्सिस पे माइनस जी होता है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे जो वी वाई होता है वेलोसिटी वाई डायरेक्शन होती है जीरो होती है, एक्सेलरेशन कितना होता है वो यू कॉस थीटा बराबर होता है, समझ में आ गया। बताइए टी सेकंड में कितना होता है, टी सेकंड में जो एंगल बनता है टी टेन पाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा होता है, इसे इक्वल टू वी वाई अपॉन यू एस पी कहते हैं। अब जानते हैं क्या होता है एंगल ऑफ डिवीजन, क्या होता है एंगल ऑफ डिवीजन, मतलब ये होता है वेलोसिटी एट टाइम टी
वेलोसिटी एट टाइम टी एंड इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टाइम टी और इनिशियल वेलोसिटी बीच में एंगल बनता है वो हमेशा 2 थीटा होता है, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो थीटा होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे जो थीटा होता है वो सेम ही रहता है। समझ में आ गया। अब आगे जानते हैं कि कब आपकी इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम टी वाली वेलोसिटी होती है परपेंडिकुलर आती है। तो आप बोलोगे टी इज इक्वल टू यू अपॉन जी साइन थीटा परपेंडिकुलर आती है। समझ में आ गया। क्यों, पहले क्या था, पहले जो यू इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप था, वी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा वी, बाद में कितना हुआ वी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप हो गया। लेकिन कभी दोनों परपेंडिकुलर आएंगे तब बोलोगे आप टी इज इक्वल टू यू अपॉन जी साइन थीटा में आएगी। समझ में आ गया। अब जानते हैं क्या होता है रेंज, रेंज में हमने कहा था कितना होता है, रेंज इज इक्वल टू होता है 2 US UI अपॉन जी होता है। रेंज फॉर्मूला और क्या होता है, रेंज फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी होता है, इसी जिससे हम कहते हैं 2 U² साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन जी कहते हैं। 45 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम रेंज जो है वो यू स्क्वायर अपॉन जी की होती है, मैक्सिमम रेंज जो है वो यू स्क्वायर अपॉन जी की होती है। अब जानते हैं हाइट क्या होता है, हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G होता है, UI स्क्वायर अपॉन 2AY होता है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टी इक्वल टू 2U साइन थीटा अपॉन जी होता है, थीटा हो 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम होती है। क्वेश्चन बोलता है किसी भी पार्टिकल को फेंका जा रहा है 20% से 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल वेन द प्रोजेक्टाइल परपेंडिकुलर टू इनिशियल वॉल पर। तुमने फॉर्मला, अब तुम सोचो कि फॉर्मला यहाँ लग जाना चाहिए और फॉर्मला लग जाना चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा। क्यों, अब देखिए 30 डिग्री फेंक रहा है मतलब इसका एंगल ऑफ डिवीजन जो है उसे 60 डिग्री पे। अब मैक्स मतलब इसका एंगल ऑफ डिवीजन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 60 डिग्री तक ही जा सकता है, लेकिन यहाँ 90 डिग्री बात करिए मतलब इसका क्वेश्चन ही गलत है। समझ में आ गया। चलिए आगे समझने प्रयास करते हैं कि अगर दो पेटी को एक साथ फेंका जा रहा है, को थीटा से फेंका जा रहा है, दूसरे को 90 थीटा से फेंका जा रहा है, एक की हाइट H1 दूसरे की हाइट H2 है, तो H1 अपॉन H2 जो रेशियो होता है वो होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है, और H1 और H2 जो मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है R² अपॉन 16 आता है। T1 अपॉन T2 जो रेशियो होता है टेन थीटा होता है, T1 T2 जो मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 2 अपॉन G आता है। ठीक है, बाकी तुम्हें बताया चुके हैं मैक्सिमम रेंज जो होती है वो U² अपॉन G होती है, H = R max/4 होता है, H max = R max/2 होता है। अगर मान लेते हैं कि रेंज जो है वो n टाइम्स ऑफ h है, ऐसे केस के अंदर जो रेंज की वैल्यू होती है U² अपॉन G 8n/n² + 16 होती है, H = U² अपॉन G 8n² + 16 होती है, tan θ = 4n होती है। आगे जानते हैं क्या होता है, सपोज कीजिए कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टरी में बोल पूछो क्या होगा, क्वेश्चन डायरेक्टरी फॉर्मला होता है Y = X tan−GX²/2U²cos²θ होती है। सिंपल फॉर्म में बोलें तो Y = X tan1−X/R होती है। अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं और किसी प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से फेंकते हैं और एंगल थीटा से फेंकते हैं हॉरिजॉन्टल से, लेकिन जब किसी वाई हाइट पहुंचता है वो तो वो इनिशियल पॉइंट से अल्फा अटेंड कर लेता है एंगल और फाइनल पॉइंट से बीटा एंगल अटेंड कर लेता है, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा की जो वैल्यू होती है टेन थीटा बराबर आती है। इससे हम अच्छे से कहें तो Y = X1 X2 tan θ/X1+2 ले लेते हैं। सपोज ये कोई क्वालिटी क्वेश्चन दिया हुआ है इस फॉर्म में, क्योंकि नीचे आ रहा है तो माइनस तो होगा ही, X² की जो मैक्सिमम वैल्यू है उनको माइनस तो आएगी। ठीक है, ठीक है, सपोज करो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं प्रोजेक्टाइल में उनकी जो क्वेश्चन बनती है वो बनती है AX - BX² फॉर्म बनती है। समझ में आ गया। तो ऐसे किन क्वेश्चन में बोले रेंज निकालो, रेंज जैसे निकालोगे A/B से निकालोगे, मैक्सिमम हाइट निकालोगे A²/4B से निकालोगे, एंगल निकालोगे tan θ = A से निकालोगे। इस क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बेटा आपसे साफ साफ ये बोलना चाह रहा है कि आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, बोल रहा है एक क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन के लिए करना पड़ेगा कितना हमें दोनों की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस हम ऐसे निकालें कितना US और T आ जाएगी, US बोलते एक्सट्रैक्शन वेलोसिटी कितनी है वो 1 i, तो हमने 1 लिख दिया (t) का कितना t आ गया। ठीक है, और अब हमें वाई का निकालना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन में हमें निकालना है, क्या निकालना है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस और कितना हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, लेकिन वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मला क्या होता है, UYT − ½ GT²। UI कितना है यहाँ पे 2 है, टी यहाँ दिया हुआ है 10θ − 5t² हो गया। ठीक है, अब जब तुम जहाँ टी है उसको हम अगर एक्स से रिप्लेस करें तो मेरे पास अच्छी खासी आ जाती है किसकी, प्रोजेक्टाइल की क्वेश्चन आती है। प्रोजेक्टाइल की क्वेश्चन सिंपल हमेशा रखना कि हमेशा AX - B² फॉर्म होती है, जो X² है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर्म सम हाइट। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं क्या होता है प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर सम हाइट। किसी हाइट से फेंकते हो, एच हाइट से फेंकते हो, तो अगर मैंने किसी एच हाइट से फेंका है, वी स्पीड से फेंका है, हॉरिजॉन्टल मोशन है, तो हमेशा रखना टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो अंडर टू जो पॉइंट जी होता है, जो यू आई की वेलोसिटी होती है वो अंडर टू जी एच होती है, और जो रेंज होता है वो UST निकालते हैं। तो जो बेसिकली जो रेंज होता है वो UXT होता है, इज इक्वल टू हम कह सकते हैं U√2H/G होता है। ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है, इसमें जो पीछे वाला क्वेश्चन तुम देखो, क्वेश्चन में हमने कहा था tan θ = V/VS होता है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल मोशन में सब हाइट से फेंकोगे tan θ = VX/VY होता है, जिसे हम कह सकते हैं V√2GH कहते हैं। समझ में आ गया। पूरी वेलोसिटी कितनी होती है, V = √U² + 2GH होती है। समझ में आ गया। देखिए
हमें समझ में आता है रेंज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यू के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एच के। ठीक है, आगे बोलिए क्या। आगे मैंने बोला है कि जो इक्वेशन डायरेक्टली तुम्हें दिया हुआ है पार्टिकल कॉन्स्टेंट ऑफ चीज मुकर रहा है, तुम्हें ये दिया हुआ है एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है, बोल रहा था एक्सलेशन कैसे निकालोगे। सिंपल करने का तरीका कुछ नहीं होता, सिंपल सा करिए इसका डिफरेंशिएशन। सबसे सिंपल सा तरीका ये, इसका डिफरेंशिएशन करिए। डिफरेंशिएशन करने का तरीका ये है, डिवाइड अपॉन डिवाइड कर दीजिए, 2 d² / dt कर लीजिए माइनस का 5। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि जब -5, जब 2 नीचे आएगा तो 2x आएगा, साथ में d² / dt जो है अलग आएगा। बेसिकली यहाँ पे हम लोग 2x आ जाएगा, d² / dt आएगा, समझ में आएगा। -5 में 2x आएगा, d² / dt आ जाएगा, समझ में आएगा। तो पता है आपको d² / dt होता है वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी दिया हुआ 1% दिया हुआ है, d² / dt कितना वेलोसिटी होता है दिया हुआ, यहाँ पे 1 दिया हुआ, समझ में आ गया। तो बेसिकली क्वेश्चन बनती है v = 2 - 10x दिया हुआ, समझ में आ गया। जब हम लोग उसको फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हमें अपना एक्सलेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। जैसा तुमको बेटा हमने कहा था, ये क्वेश्चन बोल रहा है किसी टावर से हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं, यू स्पीड से फेंक रहे हैं, 20 मीटर स्पीड से फेंक रहे हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लग रहा है 5 मीटर लग रहा है, ये हाइट ऑफ टावर कितनी है, ये हाइट और मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, देखिए हाइट ऑफ टावर में तुमको फॉर्मूला बताया जो कितना होता है, वो हमेशा h = ut - ½ t² के। और ऐसे क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, माइनस एच लिखते हैं = ut। यू कितना, यू आई वाला, क्योंकि हम ऊपर फेंक रहे हैं ना, तो यू आई वाला लेना। ठीक है, यू आई हो गया है (t) हो गया -½ g t² टाइम फ्लैट में दिया होता, समझ में आ गया। इससे तुम्हें हाइट ऑफ टावर तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन अब क्यों ना, अगर हम लोग h1 हाइट, ठीक है, ये तुम्हारा हाइट ऑफ टावर आ गया, अब हमसे बोल रहा है मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड जो है ये पूरी हो जाएगी, इतनी हाइट मेरे पास दिया हुआ टावर की हाइट, क्यों ना हम h1 की हाइट, क्योंकि इतना तो प्रोजेक्टाइल दिया है ना, तो क्यों ना हम h1 की हाइट निकाल लें। और h1 की कैसे निकालेंगे, u² sin²θ / 2g निकालेंगे, कैसे निकाला आएगा, u की है ही, साइन की है, 2g है ही, सबने आंसर निकाल दिया, दोनों प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आता है, किसी ग्राउंड किसी को क्वेश्चन ये आता है कि कोई एयरप्लेन फ्लाई कर रहा है 12 मीटर अबव द ग्राउंड, 12 किलोमीटर अबव द ग्राउंड, जब 56 डिग्री पर देखते हैं, समझ में आ गया, और 10 सेकंड में देखा तो एलिवेशन जो है 37 डिग्री हो गया है, तो बताइए यूनिफॉर्म स्पीड कितनी होगी एयरप्लेन, समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन 10 10 53 परपेंडिकुलर अपन बेस हो गया, परपेंडिकुलर 12 किलोमीटर था, अपन बेस जो है एक्स है, तो आपको एक्स वैल्यू मिल जाएगी, समझ में आ गया। 10 सेकंड बाद बोलता है तो कितना आ जाएगा, एक्स पहले था ही, अब कितना आ जाएगा, प्लस यू टू आ जाएगा, तो 10 37 परपेंडिकुलर मतलब कौन सा 12 आ गया, अपन बेस कितना हो जाएगा, वो एक्स प्लस यू टी हो जाएगा। हमने यहाँ से एक्स किलो में पता है ही, हमने यहाँ से यू किलो से निकाल दिया, बताइए कितना टाइम लगेगा जब हम थीटा से अल्फा जाएंगे, t = u cos θ tan θ - αfg हो जाएगा, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। जैसा तुमको बेटा हमने कहा था कि अगर एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखता है तो उसे एक स्ट्रेट लाइन नजर आती है, ऑब्जर्वर को समझ में आ गया। बाकी यहाँ बोलता है कि कंडीशन दाई कितना होगा जब दो पार्टिकल मीट करते हैं, कोलाइड करते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे, पूरी हाइट पॉइंट सेम हाइट पॉइंट पर अगर कोलाइड करते हैं दोनों टाइम बराबर का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में सिंपल से काम करना, एक्स एक्सिस के अराउंड जो है रिलेटिव स्पीड निकालना, जाके time = x / relative speed कर देना, समझ में आ गया। अब जानते हैं काइनेटिक्स और सर्कुलर, चलिए आज समझते हैं क्या होता है काइनेटिक्स और सर्कुलर मोशन। थीटा मतलब होता है एंगुलर पोजीशन, डेल्टा थीटा मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी होता है, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, at = टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ac = सेंटीपेड एक्सेलरेशन होता है, समझ में आ गया। कोई पार्टिकल अगर कंप्लीट कर 1.5 रेवोल्यूशन ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो है वो 3π होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाला फंडा नहीं लगेगा। ठीक है, आगे जानते हैं। अगर तुमको बेटा हमने कहा था कोई पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो आउट ऑफ प्लेन जो कि पॉजिटिव होता है, ठीक है, जो कि एवरेज वेलोसिटी होती है एंगुलर के अंदर (Δθ1/Δt) होता है, (θ2-θ1/d2-t1) होता है, यूनिट जो होती है वो रेडियन होती है, 1 rpm = 2π/T होता है, जो कि अगर सेकंड ले रहे हो तो 60 आएगा, समझ में आ गया। अब अगर जानते हैं क्लॉकवाइज में क्या होता है, इनटू द प्लेन होता है जो कि नेगेटिव होता है। ठीक है, अब जानते हैं क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा हमने कहा था कि अल्फा जो होता है कांस्टेंट होता है, ओमेगा = ओमेगा नॉट + α t होता है, (Δθ = ओमेगा ओमेगा नॉट t + ½ αt² होता है, nth पोजीशन निकालोगे तो (ω0 + 2n-1 α/2) होता है, समझ में आ गया। (ω²) = ω0² + 2α Δθ होता है, समझ में आ गया, सब जानते हैं। अल्फा के यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, हमें पता है α = dω/dt होता है, हमसे बोल रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो जितना आया सके कर देना इंटीग्रेशन कर देना, अपने आप आंसर मिल जाए। चलिए आइए समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटी। हमने तुम्हें हमेशा कहा है कि अभी कभी भी अगर ए से बी जाएगा एट एंगल ऑफ थीटा, लेंथ एल है तो l = θr होता है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो v = r ω आता है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो टेंशन एक्सेलरेशन = r α आता है, समझ में आ गया। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का भी कांस्टेंट नहीं होती, बता चुका हूँ, तो मैं हमेशा तुमको हमने कहा है कि ω = 2π/T होता है, कभी तुम्हें दिया हुआ है 120 रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, तो बेसिकली बात यहाँ पे हो रही है फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, इसे चेंज करोगे तो बेसिकली मैं कहा था ω = 2π/T होता है, तो उसे कैसे बोलेंगे ω = 2π/frequency, 2π फ्रीक्वेंसी के, समझ में आ गया।
सेंटीपेटल एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ केवल डायरेक्शन बदलता है और हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है, समझ में आया, जबकि टेंशन एक्सेलरेशन जो है वो मैग्नीट्यूड चेंज करता है, समझ में आ गया। अब जानते हैं क्या होता है एवरेज वेलोसिटी। अगर ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, वी आई से वी एफ जा रहा है, एंगल थीटा है, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना होता है, डेल्टा वी अपॉन टी होता है, जो कि होता है टू वी साइन थीटा अपॉन टू, जो कि होता है टू वी साइन थीटा अपॉन टू अपॉन थीटा अपॉन ओमेगा, टू वी साइन थीटा अपॉन टू अपॉन थीटा अपॉन ओमेगा होता है, निकल समझ में आ गया। और सेंट्रल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर अपन आर होता है, इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर होता है, इक्वल टू वी ओमेगा होता है, समझ में आ गया। सर्कुलर मोशन कभी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं हो सकता है। आगे समझने का प्रयास करते हैं, आगे समझने में तुम्हें कहा था क्योंकि बॉडी अगर मूव करता है सर्कुलर पाथ में कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ, तो उसका मैग्नीट्यूड जो है एक्सेलरेशन का कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन वो एक्सेलरेशन जो है वेरी वेरी कर सकता है समय के साथ, समझ में आएगा। लेकिन सर्कुलर मोशन जो है अगर लीनियर एक्सेलरेशन का इन सर्कुलर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा वेरिएबल ही रहेगा, लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा वेरिएबल रहेगा, ठीक है। ये कहोगे कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है लेकिन एक्सेलरेशन तो समय के साथ चेंज होता है, समझ में आने के लिए मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है बताइए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना होगा ए और बी पे। हमें पता है वी ए स्क्वायर कितना होता है, आर ओमेगा होता है। जो वी ए है ऊपर लग रहा है मतलब पॉजिटिव लग रहा है, कितना होता है तो जे कैब हो जाएगा, हमने मल्टीप्लाई करते हैं आंसर निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन जो ए का लग रहा है हमेशा अंदर तक लग रहा है, कितना आ जाएगा माइनस आई। तुम वैल्यू तुम रखी लोगे, आंसर निकाल लोगे कि वी ए स्क्वायर कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर आर होता है, तो ये क्या लग रहा है माइनस आई कैब लग रहा है। वी भी कितना लग रहा है, वन माइनस आई कैब लग रहा है। वी भी कितना लग रहा है, नीचे लग रहा है, कितना माइनस जे कैब हो गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तुमको बेटा हमने हमेशा कहा है कि लीनियर स्पीड कांस्टेंट होती है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी और डायरेक्शन, वेलोसिटी और जो एक्सेलेरेशन होता है दोनों चेंज करते हैं, लेकिन दोनों के डायरेक्शन चेंज करती है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। आगे जानते हैं क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने कहा था इट इज इक्वल टू हमेशा आर अल्फा होता है, स्पीड और एक्सेलेरेशन हमेशा कांस्टेंट नहीं होते हैं, बल्कि सेंटीपेटल एक्सेलेरेशन जो होता है वो वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होता है, इक्वल टू वी ओमेगा होता है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए आइए अब आगे समझते हैं। तुमको बेटा आपने कहा था अगर सेंटीपेटल एक्सेलरेशन और टेंशन एक्सेलरेशन का जो एंगल बन रहा है वो अगर 0 और 90 डिग्री के बीच का बन रहा है तो स्पीड ऑफ कंडीशन है, अगर वो 90 और 180 डिग्री के बीच का बन रहा है तो हमेशा थीटा जो बनता है वो स्पीड डाउन कंडीशन, समझ में आ गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमेशा अंडर रूट 80 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर होता है, समझ में आ गया। मान लेते हैं कोई अगर सर्कुलर दिया हुआ है या स्पीड दिया हुआ है और जो एक्सेलेरेशन का एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, बोल रहा है बताइए क्या होता है रेडियल एक्सेलेरेशन, ठीक है। जो रेडियल एक्सेलेरेशन होता है वो सेंटीपेटल एक्सेलेरेशन होता है, सेंटीपेटल एक्सेलेरेशन इस क्वेश्चन देखोगे तो वो ए साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ में आ गया, जबकि 80 जो होता है वो ए कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा, जो कि जिसे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी कहते हैं, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लिए अगला प्रश्न ये बोलता है कि पार्टिकल जो है स्टार्ट करता है ट्रैवलिंग ए सर्कुलर विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, और जो एंगल होता है बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन वेक्टर एट मोमेंट व्हेन पार्टिकल कंप्लीट हाफ द सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक से उसने आधा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 280 डेल्टा एल, डेल्टा एल जो है वो कितना हो जाएगा, वो आर्क होता है, ठीक है। आर्क कितना, थीटा आर्क होता है, थीटा कितना पाई है, यहाँ पे आर दिया, समझ में आ गया। यू यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तुमने यहाँ वैल्यू रख दी, समझ में आ गया, मेरे पास यू वी स्क्वायर वैल्यू आ गई, ठीक है। सेंटीपेटल एक्सेलरेशन जो होता है वो वी स्क्वायर पर आर होता है, वी स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ, आर से तुमने हटा दिया तो एसी वैल्यू आ गई। टेन थीटा इक्वल टू होता है एसी अपॉन 82 होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है एसी अपॉन 80 होता है, एसी दिया हुआ 80 दिया हुआ, तुमने यहाँ पे आंसर निकाल दिया है। बाकी यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए, जब तुम वीडियो पॉज करोगे तो तुम्हें अपने उसके सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ध्यान से देख लो, ध्यान से इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ के देख लो, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन देखो, ध्यान से देख लो, बोल रहा है कि इस पी पॉइंट पहुंचने के इसको लगता है T1 4 सेकंड लगता है, T2 जो लगता है वो 5 सेकंड लगता है, यहाँ से ज़्यादा लगता है। बताइए हाइट पी सच डैट फॉर हाइट ऑफ पी अबाउ हॉरिजॉन्टल लाइन, हाफ जीरो डी टू लगा, इसका आंसर निकल आएगा, समझ में आ गया। क्या आपने पॉज कर लिया, थोड़ा सा स्कोर पॉज करके वीडियो बना के देख लो, समझ में आ गया, इसको अच्छे से पॉज कर लो।